अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं क्रीमी पाए। सो उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो जल्दी से नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने ले लिया है एक नॉनस्टिक पैन, उसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल, थोड़ा सा हम गार्लिक पेस्ट ले लेंगे और उसको ऑयल में डाल देंगे। हमने लिया है एक छोटा सा अनियन, उसको हमने स्लाइस कर लिया है। अगर आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं और इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट की, यानी कि नमक, और क्रश चिली ली है वो भी हमने 1 टीस्पून ली है। सो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जा रहा है बोनलेस चिकन, जिसको हमने छोटे स्लाइसेस में काट लिया था। इसको हम डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। वन टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जाएगा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। साथ में ही हमने लिए हैं स्लाइस मशरूम और थोड़े से स्वीट कॉर्न, हम इनको भी डाल देंगे और अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। साथ में ही हम ले रहे हैं 600 मिलीलीटर के करीब फ्रेश क्रीम, वो भी डाल देंगे और इसको फिर से अच्छी तरह करेंगे मिक्स। अभी हम ले रहे हैं माइल्ड चेडर चीज़, हमने इसको डाल देना है इस क्रीम के अंदर क्योंकि हमें थिकनेस चाहिए इसके अंदर, तो इसलिए। जो ही आपको ऐसे दिखना शुरू हो जाए तो आप आग को बंद कर दीजिए। साथ में ही हम ग्रीस की हुई कोई भी बेकिंग ट्रे ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे पफ पेस्ट्री रोल करके। अगर रोल की हुई मिल जाए तो वो भी अच्छी है, अगर नहीं तो आप ले लीजिए पफ पेस्ट्री रेडीमेड, उसको रोल कीजिए। और साथ में ही ठंडा हमने किया है इस मिक्सचर को थोड़ा सा, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं। मिक्सचर डालने के बाद हम इसके ऊपर और चीज़ डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी नहीं तो टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। साथ में एक और रोल की हुई हम लेंगे पफ पेस्ट्री, उसको ऊपर डिश के ऊपर रखेंगे क्योंकि हमने इसको भी बंद करना है। अच्छी तरह से सील कर लेंगे और जो बच जाएगी उसको आप एक्स्ट्रा उतार लीजिए। और साथ में हम नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर कर रहे हैं बहुत अच्छा सा डिज़ाइन। और डिज़ाइन करने के बाद हमने एक अंडा लिया है जिसको हमने फेंटा है और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। साथ में ही जब ये रेडी हो जाए तो रख दीजिए ओवन में। प्री हीट ओवन करना मत भूलिएगा, 35 से 45 मिनट्स लगेंगे कि आपके पाए रेडी हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।